हाय दोस्तों, हाय साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो होता है वो स्टार्टिंग में आपने जो भी पढ़ना सीखा होगा, जाना होगा, वो कहाँ से सीखा है? नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया है। देखिए, अगर आप काउंट करना भी शुरू करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, आप किसी से भी अगर गिनती पूछेंगे तो क्या कहेगा? कहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे बताएगा ना। आप किसी से देख लीजिए, आप खुद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए गिनती क्या है, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर आप बताइए, तो आपकी जो बातें रहेगी वो 1 2 3 ही रहेगा, है ना। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आप देखें, नेचुरल नंबर जो आपका है वो वर्ड नेचर, नेचर से मिलकर बना, नेचर से ही ऐसा नंबर जो नेचर से आया हो। आप कहेंगे आपकी नेचर से कैसे आया है, तो जैसे ही आप काउंट करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपका जो नंबर रहेगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं से स्टार्ट होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से मिलता है, ऐसा नंबर जो हमें नेचर से मिलकर चला आता है, पता चलता है। ठीक है, आपने कभी गिनती चाहे आपको सिखाई ना गई हो, फिर भी आपने गिनना शुरू कर दिया। आप ऐसे बच्चों को देखिए जो कभी स्कूल भी नहीं गए हो, फिर भी उनको आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये चीज़ें जो हमें नेचर से बताता है, किससे बताता है? नेचर ने बताया है। तो नेचुरल नंबर जो आप देखेंगे, जो नेचर से नंबर निकल के आता है वो नेचुरल नंबर कहता है। यहाँ नेचर नंबर में हमें क्या करते हैं, नेचर में काउंट करना शुरू करते हैं। तो अगर नेचर नंबर का, नेचुरल नंबर का हम सेट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। कहाँ तक होगा जो आपको पता नहीं है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, यानी अनंत तक, कहाँ तक? खत्म होने वाला नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर जो होता है, ठीक है, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर कह दिया जाता है। ये आपने पढ़ा है, जाना है, और इसमें ढेर सारी चीजें, चाहे वो एलसीएम निकालने की बातें हो, एचसीएफ निकालने हो, इवन ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सारी बातों को आपने पढ़ा है। मैं डिस्कस भी अभी करूंगा, लेकिन पहले मैं चलता हूं अपने टॉपिक्स पर जो हमारा है। इसके बाद आता है होल नंबर। क्या कर दिया गया भाई? ये कहा कि हमारे पास अभी पूरा नहीं है, पूरा करने के लिए क्या कहा गया कि कुछ और होना चाहिए जिससे कि पूरी बातें हो सके। तो क्या कर दिया गया? बस उसी नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट कर दिया गया? 1 से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये भी क्या हो गया? पूरा हो गया। अब बात आई कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर भी हो गया है, होल नंबर मिल गया, तो सर अगर हम एक साइड पे चले हैं, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या सर इस तरफ भी चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरफ चल सकते हैं। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी? निगेटिव में हो जाएगा, और इस तरफ जाने के बाद में वो पॉजिटिव होता है। सो ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो सभी माइनस इन्फिनाइट से ले करके और प्लस इनफिनाइट तक जो नंबर होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कह देते हैं। यानी हम देखेंगे कि होल नंबर के अगर निगेटिव्स को भी ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो इंटीजर्स बन जाता है। रेशनल नंबर आपने अभी पढ़ा है, डिस्कस किया होगा, क्योंकि पिछला क्लास आपका 8 ही था, और उस 8 के क्लास में आपने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या आपको दिख रहा है? रेशनल नंबर क्या दिखता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर क्यू जो होता है वो इक्वल ना होना चाहिए जीरो के। सो क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, सारी चीज नेचुरल, जीरो लगाया होल, और जीरो लगाया, सॉरी निगेटिव ले लिया इंटीजर। अब कभी ऐसा आया कि भाई कैसा भी नंबर दिख जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास निगेटिव हो, है ना, छीना झपटी करना शुरू कर दें, किसी से मांगना शुरू कर दें, तो एक फ्रैक्शन के रूप में मिल जाता है। लेकिन यहाँ हम फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? वो फ्रैक्शन अलग क्वालिटी है, अलग वर्ड है, मैं भी उस पर डिस्कस करता हूँ। इनमें फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में आपको बताता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। सो रेशनल नंबर जो हमें मिलता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा केस आता है कि पी और क्यू के बारे में पूछते हैं, तो पी और क्यू जो होते हैं इंटीजर के साथ साथ हमें को प्राइम नंबर मिल जाता है।
जाते हैं, लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होता है, किसी केसेस में होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब हम कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए कैसा भी लिखा हो, लेकिन जो उसका लोवेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जब लोवेस्ट फॉर्म होता है तो वो पी और क्यू जो होते हैं, ठीक है, वो को प्राइम होते हैं, पूरा नहीं, पी एंड क्यू सिर्फ, ध्यान रखेंगे, अपान नहीं उसका, ठीक है, वो को प्राइम होते हैं। ये कब होता है, ये आप जब कभी भी नंबर को किसी, ये क्या है, अरे हाँ बिल्कुल, ये नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन पर जो प्लॉट करते हैं ना, तो हमेशा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो हमें ज़रूरत जब होगी लोवेस्ट फॉर्म में लिखने की, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की, तो हम लोग वहाँ पर पी और क्यू जो लिखे हैं उनके लोवेस्ट फॉर्म को ही लेंगे, यानी कि को प्राइम नंबर के रूप में ही करने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में, तब यहाँ पर लिया जाएगा। सर ये चीज़ें तो हमने जाना, आप बताइए इंटीजर्स, ये रेशनल और इरेशनल, तो बिल्कुल हाँ भैया, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल होगा, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल हो जाएगा। सो इरेशनल अगर ऐसा हमको दिख जाता है, ठीक है, अगर ऐसा हमको इरेशनल दिख जाता है तो कुछ इसका फॉर्म होगा जी बिल्कुल रूड एम के टाइप का होगा। सर इसमें एम क्या है, एम जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, देखिए जब हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव संख्याएं, तो उसमें सबसे पहले वहां पर हम लोग और कर लेते हैं डिस्कस थोड़ा सा, इवन पढ़ते हैं। इवन जानते हैं आप, इवन नंबर जो होता है वो टू से डिवाइड हो जाता है ना, डिविजिबल बाई टू, इवन क्या होते हैं, डिविजिबल बाई टू, ठीक है, और जिसके लास्ट डिजिट में हम देखते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट जो होता है, ठीक है, इसमें इवन नंबर में अगर हम देखें जो यूनिट डिजिट होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो पहचान लेते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर हमको यहाँ इस तरीके से मिल जाता है। देखिएगा इवन नंबर का एक जनरल फॉर्म होता है जो किस तरीके से लिखा जाता है, 2m, 2m+2 ऐसे अगला नेक्स्ट, मतलब कंसेक्यूटिव जब लिखना होता है ना तो हम लोग ऐसा शुरू कर देते हैं। और जो m क्या है, m जो यहाँ होता है वो नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि उस कंडीशन तक आप नेचुरल नंबर ही पढ़े होते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें हम सिर्फ बात कर रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम जो नंबर लेते हैं, जो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, वो सिर्फ इतना ही वो पॉजिटिव नंबर के लिए, यानी कि जो सारी चीज़ें इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट पर बात करते हैं, वो किस पर बात करते हैं, इवन नंबर पर, यानी कि पॉजिटिव नंबर पर बात कर देते हैं। तो इवन नंबर का ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है, डिविजिबल बाय टू होता है, यूनिट डिजिट में ये नंबर अगर आते हैं तो आपको इवन दिख जाएंगे। और जो इसका फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो एक्सप्रेशन करते हैं, अगर हमें बताना होता है, पूछना होता है, तो ये निकाल लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे इवन नंबर पर थी, ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर के बारे में डिस्कस होता है कि भैया जो डिविजिबल ना हो किससे, जो दो से डिविजिबल ना हो, अगर दो से डिविजिबल नहीं है तो सर यूनिट, इस पे यूनिट डिजिट पर इसके कौन कौन से अंक आएंगे, बिल्कुल 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, ठीक। और क्या इसका भी जनरल फॉर्म होगा, हाँ बिल्कुल होगा, जनरल फॉर्म इसका 2m+1, 2m+3 ऐसे हम निकालते हैं, जहाँ m जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी जो कभी हमें एक्सप्रेस करना हो, कभी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड निकालना हो, तो उनके फॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, और हम तब इस केसेस में ये इवन के फॉर्म ले लेते हैं और ये ऑड के फॉर्म ले लेते हैं। तो ये रही बात इवन और ऑड की, ये जो बात हुई वो हमने कहा इवन और ऑड की। अब जो इसमें बात करना है, एक और भी नंबर्स हैं, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और इन सब बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए मेरे पास सारे वर्ड आने चाहिए, ज़रूरी हैं। सो हमें क्या है इसके बाद मिलता है, प्राइम। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जी बिल्कुल प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, वो फैक्टर कौन कौन से हों, वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उसी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कह देते हैं, जिनमें आपको पता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13 ऐसे नंबर जो हमें दिखेंगे वो प्राइम नंबर दिख जाते हैं, जिनमें 2 आप देखेंगे कि ये सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, ये क्या है, इवन प्राइम है, रेस्ट जितने भी आपको मिलेंगे वो सब क्या होंगे, ऑड प्राइम के रूप में होंगे,
वन और इटसेल्फ से डिवाइड होने पर सिर्फ दो ही आपको इवन नंबर दिखता है, जो टू है, दो नहीं मतलब टू, एक ही नंबर जो दिखेगा वो टू आपका इवन प्राइम है, बाकी जितने रेस्ट नंबर हैं वो इवन के साथ साथ सॉरी ऑड के साथ साथ प्राइम होंगे, यानी प्राइम के साथ वो ऑड होंगे, तो उनको ऑड प्राइम कह दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आप देखिए कि इनमें डिफरेंस कितने का है। सर इसमें डिफरेंस कितने का है, टू और थ्री में, तो टू और थ्री के बीच में डिफरेंस कितने का है, वन का है। थ्री और फाइव में डिफरेंस कितने का है, सर टू का है। फाइव और सेवन में डिफरेंस टू का है। तो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स, समझिएगा, ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनमें डिफरेंस टू का होगा, कंसेक्यूटिव भी हो है ना, प्राइम हो, कंसेक्यूटिव हो, क्या प्राइम, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, क्या भैया, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर विद हैविंग डिफरेंस, हैविंग डिफरेंस टू, अगर टू का डिफरेंस अगर आपको मिल जाता है तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं, जी ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। तो जो हमें दिखेगा वो थ्री और फाइव, ये ट्विन प्राइम के रूप में है, फाइव सेवन भी ट्विन प्राइम के रूप में है, इलेवन थर्टीन ट्विन प्राइम के रूप में है, जबकि सेवन और इलेवन ट्विन प्राइम के रूप में नहीं है। दो ऐसे प्राइम नंबर को आप उठाइए और उनमें डिफरेंस कितने का रखिए, सिर्फ टू का रखिए, तो वहां पर उस नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम। क्लियर। और देखें, अब हमने यहाँ बात की थी को प्राइम क्या होता है। तो भैया को प्राइम क्या होता है, जिनका एच सी एफ वन होता है, मतलब There is no common factor other than one. Two numbers having no common factor other than one. मतलब दो नंबर के बीच में अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता है तो ऐसे नंबर को ट्विन प्राइम नंबर कह दिया जाता है, सॉरी को प्राइम कह देते हैं। क्लियर। को प्राइम और ट्विन प्राइम में अंतर समझिएगा। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों नंबर प्राइम होते हैं। यहां पर आप देखें, अगर हम ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, जबकि को प्राइम में कैसा भी नंबर हो सकता है, आइदर वो दोनों प्राइम होंगे और दोनों क्या हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 4 और 9, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, 4 और 9 हमें जो दोनों नंबर दिख रहे हैं वो बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। सर ये कंपोजिट ही क्या है, समझिए, समझ लीजिए कंपोजिट क्या है। देखिए इसमें आपने क्या पढ़ा था कि सिर्फ दो ही फैक्टर हो और यहां पर क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज्यादा अगर आपको फैक्टर्स दिख जाते हैं तो उनको कंपोजिट कह देंगे, दो फैक्टर सिर्फ दिखेंगे तो क्या कहेंगे, उनको प्राइम कहेंगे। तो हम जो देखते हैं कि को प्राइम अगर लेते हैं तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, चाहे कंपोजिट हो चाहे प्राइम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, कंपोजिट, दो से ज्यादा फैक्टर मिलता है। सर वन क्या है, वन क्या है, प्राइम है कंपोजिट है, प्रॉब्लम है ना, वन क्या है, वन सर ना तो नीदर प्राइम ना तो भैया ये प्राइम है और ना ही क्या है ये कंपोजिट है, ठीक है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो ये नंबर हमें अभी तक यहां पढ़ा, तो फैक्टर आया, मल्टीपल आया, फैक्टर क्या होता है, जो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देता है किसी नंबर को, वो फैक्टर हो जाता है। और मल्टीपल क्या होता है, समझ लीजिए टेबल ही है, जब हम उसके वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने, तो मल्टी चले जाते हैं। तो यहां पर आया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, समझिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर वर्ड है ना, परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें पेयर्स जो होते हैं, यानी जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसी नंबर का तो पेयर कंप्लीट होता है, और नॉन परफेक्ट में कंप्लीट नहीं होगा। क्या होगा, पहले तो परफेक्ट जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, क्या होता है, कंप्लीट कंप्लीट पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, कंप्लीट पेयर होते हैं प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर किसका निकालेंगे, सीधा सा मतलब है कि प्राइम फैक्टर अगर निकल रहा है या फैक्टर्स निकाल रहे हैं,
देखिएगा प्राइम फैक्टर ही निकालिएगा, कोई और फैक्टर ना निकालिएगा, क्योंकि फैक्टर ऑल फैक्टर्स है तो एक होते हैं जो किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं जब ये पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है वो सिर्फ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर पूछ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है तो इसको क्या कर दिया जाता है, प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और इनके प्राइम फैक्टर जो होने चाहिए उनका ऑर्डर यूनिक होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं, और नहीं जानते तो क्लास टेंथ में इसको डीप पढ़ना होगा। ठीक है, जो हमें कंपोजिट नंबर के अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको डीप पढ़ना होगा, तो प्रॉब्लम्स नहीं है। बस ध्यान रखें कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर देते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं, और प्रोडक्ट उनका यूनिक होना चाहिए, जो ऑर्डर है उनका यूनिक होना चाहिए। सो हम ये कहेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके कंप्लीट पेयर्स होते हैं। सर जैसे 18 निकाला, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब देखिए इसके जोड़े पेयर दुई कम से कम है ना, वो कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन यहां पर ये नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि जो कंप्लीट नहीं होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सर एक और नंबर कोई दिखाइए आप, कोई और बताइए। चलिए 25 को डिवाइड करते हैं, 5 से आता है ये, 5 डिवाइड करते हैं 5। तो यहां देख रहे हैं कि पेयर क्या हो रहे हैं, उसके जोड़े क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। अगर जोड़ा कंप्लीट हो जा रहा है तो उस नंबर को हम क्या कह देते हैं कि वो नंबर जो हमने लिया था, एज्यूम किया, जो माना हमने प्राइम नंबर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जाना क्या होता है, जिसके प्राइम फैक्टर कंप्लीट होते हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका क्या ना हो, कंप्लीट ना हो प्राइम फैक्टर। ठीक है, जब हम उसका निकाल रहे हो, प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हो, तो भैया कंप्लीट पेयर के रूप में ना आ जाए। ठीक है, क्या जाना, वन जो होता है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कंप्लीट पेयर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसके पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक, देखें और क्या जानना है अभी। अब अगर हम यहां तक देख लिए हों, अगर हम यहां तक समझ गए हों, तो हम समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में बता सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है। स्टार्टिंग यहां से नेचुरल नंबर, सभी पॉजिटिव संख्याएं 1 से स्टार्ट होता है, 0 से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो होल नंबर, उनके निगेटिव ले ले जाते हैं इंटीजर्स, और अगर नंबर किसी भी प्रकार का हो, छीना झपटी कर लें तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। बात यहाँ आई कि सर रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को आपने p बाई q के फॉर्म में लिखा, जबकि फ्रैक्शन भी लगभग इसी टाइप का होता है, जिसको हम a अपॉन b कह देते हैं। दोनों हम देख रहे हैं कि सेम टाइप का दिख जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ p और q जो लिया जाता है वो इंटीजर्स लिया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है और निगेटिव होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, जबकि फ्रैक्शन जो होता है उसमें ए और बी नेचुरल नंबर लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, नेचुरल नंबर, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब के सब रेशनल नंबर होंगे, जितने भी फ्रैक्शन आपको दिखेंगे वो सब रेशनल नंबर दिखेगा, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होंगे। रीजन क्या है, जीरो वाले आ जाएं, ठीक है, या आपको किस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव वाले आ जाएं। सर जैसे -4/5 ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ आपको रेशनल नंबर दिखेगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमने कहा 2/3 तो भैया ये रेशनल नंबर कह दीजिए या फ्रैक्शन कह दीजिए, दोनों सेम है। इसलिए हम देख सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर सर, यहां तक पहुंचे, ये क्या है, इरेशनल। भैया जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, समझिएगा, जो नंबर p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वही क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। क्लियर, ये तो ये हो गया। अब आता है सर ये रियल नंबर क्या है, समझिए, रियल नंबर, रियल का मतलब वास्तव में होना ना, ऐसे चीजें जो वास्तव में हो सके। दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का एक ढेर सारा ला करके रख दें, ढेर रख दें उसमें, तो दोनों हो सकता है ना भैया, रेशनल और इरेशनल मिला करके रखेंगे तो दोनों जो बन के निकलेगा ना वो रियल नंबर निकलेगा। सो क्या कहेंगे, जी बिल्कुल, सो हम जो रियल नंबर देखेंगे वो रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर। किसका कलेक्शन है, ये
कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल और इरेशनल का। दूसरी बात, वो नंबर जो रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किए जा सके हैं, लोकेट किए जा सकते हो, रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को हम लोग जो कहते हैं वो ही कहते हैं क्या, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। सारी बातें हम जान चुके हैं, एक बार लास्ट में रिकॉल करेंगे अभी देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, और क्या नंबर, और नंबर ऐसा नंबर है ना, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है, ऐसी संख्या है जो रियल नंबर लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकती है, ठीक है। रियल नंबर ए बी है, इस टाइप का जो मिल जाता है आपको कोई, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। सर इमेजिनरी नंबर क्या है, देखिए जो रियल नहीं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिनको पी बाई, जिनको हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट ना किए जा सकेंगे, जिनको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया जा सकेगा वही क्या होगा आपका, जी बिल्कुल इमेजिनरी होगा। सर इसका फॉर्म क्या होता है, हाँ ये माइनस एम के टाइप का होता है। सर माइनस एम टाइप को समझ में नहीं आ रहा है, समझिए ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर कुछ भी हो, इमेजिनरी नंबर जो माइनस एम के टाइप का होता है, सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, इसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया जा सकता। सर इमेजिनरी नंबर को लिखते कैसे हैं, ये तो ऐसा है, ये आप देखेंगे एक आयोटा होता है, ठीक है, इस टाइप का एक आयोटा, ये एक्चुअल में आई है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वो आई है, आयोटा इंग्लिश ग्रीक लैंग्वेज का नौवां अक्षर जो है वो आयोटा है, आई है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जो आपका इमेजिनरी नंबर आया है वो इसी आयोटा से, आयोटा वर्ड जो अल्फाबेट है, वर्ड नहीं अल्फाबेट है, उससे बन करके ये निकला है, ठीक है, जिसका मतलब जो आयोटा होता है, अगर हम इसको देखें तो जो आई का मतलब होता है, ठीक है, आई का जो मतलब होता है वो रूट माइनस वन होता है, आई स्क्वायर का जो मतलब होता है, आई मतलब यहां पर जो बात कर रहे हैं आयोटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आयोटा, आई स्क्वायर जो होता है माइनस वन के बराबर होता है, आई क्यूब जो होता है वो माइनस आई के बराबर होता है, जबकि आई पावर फोर जो होता है, आई रेस टू द पावर फोर, आयोटा रेस टू द पावर फोर जो होता है वो वन के इक्वल होता है। इतनी बातें देखिएगा आयोटा से संबंधित, तो जिनको हम लिख नहीं सके इमेजिनरी देखें, जब रूट्स हम पूछते हैं आगे हमको जब देखना होगा, जानना होगा कि अगर इस टाइप के नंबर कोई आपको दिखें बिल्कुल इमेजिनरी नंबर होगा, और अगर हम चाहें, वैसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है आपके लेवल तक, सिर्फ इतना ही है, जब हम 11th में पढ़ेंगे तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब बताया जाएगा तो इसके बारे में ढेर सारा डिस्कशन होगा। फिलहाल आप इसको सिर्फ जाने रहें कि ऐसी चीजें होती हैं, आप उससे वंचित ना रह जाएं। अब बात आई सर इमेजिनरी नंबर तो इस टाइप का होता है और रियल नंबर इस टाइप का होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जी बिल्कुल रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो साथ में लिख दिया जाता है वही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम एक्सप्रेशन करते हैं वो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, ठीक है, बी आयोटा, समझिएगा ये क्या होता है। देखो एक हमने नंबर लिखा जबकि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैपिटल सी का, यानी सेट जो है इसका, अगर हम कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होगा वो सी से लिखा जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है वो किस कैसा है, रियल नंबर का पार्ट है, जबकि ये आयोटा के साथ में जो आया है वो इमेजिनरी पार्ट है। ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई भी नंबर हम किसी भी फॉर्म में लिख सकें, जो नंबर अभी तक आपने जाना होगा उसको लिख सको आप, वही चीजें क्या है आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चीजें हैं कि किसी भी तरीके से नंबर लिखा जा सकता है। तो ये एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को साथ में लिख सकते हैं, जान सकते हैं, क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर Z के रूप में होता है, सेट इसका C होता है, लेकिन अगर एक नंबर को एक्सप्रेस करना हो तो Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B या B आयोटा, A जो होता है वो रियल पार्ट होता है, ये क्या है आपका,
रियल पार्ट है, जबकि बी जो होता है आयोटा से जो बगल में लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इतनी बातें जो थी हमारी वो नंबर सिस्टम पे बातें थी। अब बात आई कि सर अभी तक इतनी ढेर सारी जो हमने बातें पढ़ी है, ठीक है, वो कुछ और बातें, रियल नंबर लाइन पर किन किन नंबर को प्लॉट किया जा सकता है। तो अभी आपने जाना कि रियल नंबर लाइन पर जो हमने स्टार्टिंग की वो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से हमें मिला होल नंबर, होल नंबर के बाद में मुझे मिला इंटीजर, इंटीजर के बाद में जो मुझे मिला वो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद में जो मुझे मिला वो क्या मिला, इसी के एक और पार्ट में मिला रेशनल के साथ साथ इरेशनल, ठीक है, रेशनल जो मिला रेशनल और इरेशनल, ठीक है, ये मिला, ये पूरा ग्रुप क्या बनाता है, रियल, और रियल के साथ साथ एक और आता है इमेजिनरी, ठीक है, रियल बनाता है, रियल प्लस इमेजिनरी क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। तो इतनी सारी बातें हमने जो जानी, तो जो यहाँ से लेकर के हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये भाई सब रियल नंबर है ना, ये सब रियल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, यानी इनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे देखिए ज़ीरो है, इधर जो जाते हैं माइनस में जाते हैं, ठीक है, और इधर जो जाते हैं वो प्लस में जाते हैं, ये पॉजिटिव होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए 5 है, 5 प्लॉट करना है, इसमें रिप्रेजेंट कर देना है, तो 5 जहाँ पर हो भाई, जिस एक्सिस पर हो, आप देख लीजिए पॉजिटिव एक्सिस पर है या नेगेटिव एक्सिस पर है, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव पे है, तो 5 क्या है, ये आप देखो इस तरीके से हम नंबर यहाँ बता सकते हैं। सर होल नंबर अगर मैं बताना हो, 3 बताना हो, तो बिल्कुल भैया 3 बता दीजिए, लीजिए नाम दे दीजिए, ठीक है, तो ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इंटीजर सर -2 बताना हो, चलिए -2 यहाँ ले लीजिए। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, सर पी बाई क्यू में मान लीजिए 4/5 बताना हो, इसमें जानना है 4/5 अगर वो बता रहा है, तो आप देखो 4/5 की वैल्यू क्या है, किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है, क्यों सर, अरे भाई जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस देन वन होती है, क्या होती है, लेस देन वन होती है, जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है। तो जहाँ पर वो नंबर आपको दिखे कि किसके बीच में दिखेगा, यानी कि हम जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे जो होता है वो होल नंबर का पार्ट होता है और पीछे जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर वाला चेक करना पड़ेगा कि हमारा होल नंबर कितना दिया गया है। सो हमने मान लीजिए कहा 4/5, इसकी वैल्यू कहाँ है, जी बिल्कुल ये 4/5 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो भैया 0 और 1 के बीच में यही होगा, कितने पार्ट हैं, जितने डिनोमिनेटर में पार्ट होंगे उतना हमें उसका पार्ट कर लेना है, तो इसको 5 पार्ट में बांटना है, 1, 2, 3, 4 बराबर सब होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये 0, ये जो 1/5 0/5 है, ये 1/5 है, 2/5, 3/5 और ये 4/5, जबकि ये 5/5 या 1। सो हमारा नंबर जो है वो देख लीजिए आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। हमने किसको किसको प्लॉट किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। सर इरेशनल को कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं कि इरेशनल को कैसे हम प्लॉट करते हैं। इन सारी बातों को आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है, पीछे आप स्किप हो गया थोड़ा सा, पीछे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कि क्या होगा। फिर इसके बाद में जब इसके क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये 0 होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये 0 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। थोड़ा लाइन सही नहीं बनता मुझसे भाई, चलो अभी भी तिरछा बन रहा है, चलो आप सही बना लगता है जी। सो हमने कहा कि √2, सर √2 क्या है, इरेशनल है, तो √2 हमारा जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर। √2 को प्लॉट करना है, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि मैंने कहा कि सारी चीज़ों को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, और सारे रियल नंबर को मैंने देख लिया 2 तक, लास्ट में मुझे बचा है, सो उसको भी देखते हैं क्या है भैया
देखिए जब कभी भी कोई भी इस टाइप का इरेशनल नंबर मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, देखेंगे इसके पास में कि क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले ही ना, पिछला आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो को, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो देखना है। मैं आपको जरूर बता दूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, वन है फोर है फिर इसके बाद में 9 है, 25 है, और सॉरी 16 भूल गए, 16 है, 25 है, ऐसे बहुत, जिसका पेयर कंप्लीट के रूप में मिल जाता है उसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। सो क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां दिखता है? हाँ सर दिखता है, क्या 1+1 लिख सकते हो ना, ठीक है, तो आप इसी को मान लीजिएगा 1, ठीक है। यहां पर जो हमें लेना है वो क्या क्या लेना है आपको, यूनिट पार्ट लेना है, ठीक है, यूनिट लेना है, यानी कि यहां से हम जो यहां प्लॉट करेंगे ये 0 था इसको ओ मानेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 0 था इसको हम ओ मान लेते हैं और ये हमारा ए हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट का ले लेंगे, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का ले लिया जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला होगा वो भी 1 यूनिट का लेंगे, ठीक है, कितने का, 1 यूनिट का। अच्छा ये 1 यूनिट कितना लेंगे, ये जो हम लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 का एंगल बनाते हुए, ना बना पाना तो देख लेना ऐसे करना किया जाता है, देख लेना है ना, यहां से रख करके एक आर्क लगाया जाता है कोई रेडियस लेकर के, सेम रेडियस का फर्स्ट कट इस पे कट होगा, दूसरा कट होगा, फिर इन दोनों का बाइसेक्ट जो होगा वो आपका यहां मैच करेंगे और 1 यूनिट का लेकर के फिर कट कर देंगे, है ना। इतनी बातें जानते हैं तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा था, आप थोड़ा सही कीजिएगा, एक्सरसाइज में सारी चीजें देखेंगे, गलत ना हो उसमें। तो यहां जो हम कट करेंगे 1 यूनिट का वो क्या होगा, अभी 1 यूनिट इसमें भी लेंगे। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया समझिए, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। हाँ सर जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूस निकाल के देखते हैं तो क्या मिल जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम हम कहां लगाते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, यूज करते हैं टू डिटरमाइन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए लगा दिया भैया। फिर अब अगर हमने कहा कि मैंने बेस भी क्या लिया है, 1 यूनिट का लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, सो एच स्क्वायर जो मिलेगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2, तो हाइपोटेन्यूस कितना मिल जाएगा, 2, क्लियर। तो यहां पर जो हम देखेंगे इरेशनल नंबर रूट 2 लिखा हुआ था उसको हमने हाइपोटेन्यूस के रूप में एक ले लिया, इससे क्या मिलेगा मुझे कि कितना आर्क लगा करके इस नंबर लाइन पर वो कहां होगा वो मिल जाएगा। सो हम देखेंगे 1 और 1 ले लिया और इसके बाद में इसको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद अब क्या लेंगे, इस O को सेंटर मानेंगे, 0 जो आपके पास था वहां सेंटर मानेंगे और रेडियस जो ले लेंगे, देखिएगा रेडियस आप ये ले लेंगे और यहां से रख करके एक क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, जहां ये जाएगा यही क्या होगा, रूट 2 होगा। तो अब देखिए ये रूट 2 को भी आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर को जिसमें हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर लाइन होता है, क्लियर, इमेजिनरी रियल। अब देखिए और भी बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें कि इसके बीच 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, कितने, 2 रेशनल के बीच में कितने रेशनल होते हैं, 2 रेशनल के बीच में कितने इरेशनल होते हैं, समझिएगा, कह रहा है 2 रेशनल है ना, आपके पास रेशनल नंबर हो बिटवीन, है ना, रेशनल नंबर बिटवीन 2 और रेशनल नंबर कितना होगा, 2 रेशनल के बीच में कितना रेशनल होगा, जैसे मैंने कहा 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल होंगे, तो क्या कर सकते हैं, निकालने का कई मेथड, 1 हो गया 2 हो गया, अपॉन 1 होता है, अपॉन 1 होता है, क्या काम करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर मन कर रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ 2/2 मिलेगा और यहाँ 4/2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 4/2, तो इसके बीच में क्या है, 3/2 है। सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, ठीक है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 3 से डिवाइड कर देते,
ठीक है। सो क्या मिल जाता, 3/3, और इधर मिलता 6/3। अब आपके पास क्या मिलता, 4/3 मिल जाता, 5/3। तो जैसे जैसे देखो मैं नंबर से जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ ना, वैसे मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलते जा रहा है। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम बड़ा, क्योंकि हम नंबर कितना भी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स होंगे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, दो रेशनल के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है, दो इरेशनल के बीच में भी इनफिनाइट रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल के बीच में मतलब कुछ भी कहेगा, रेशनल से इरेशनल या इरेशनल से रेशनल पूछेगा, क्या रहता है वो इनफिनाइट ही रहता है। इनफिनाइट रेशनल, इनफिनाइट इरेशनल, दो रेशनल के बीच में या दो इरेशनल के बीच में, ये जरूर क्वेश्चन पूछता है, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये ऐसे मेथड्स होंगे जिन मेथड को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में मैं आपको काफ़ी तरीके से बताऊंगा। जो क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज है वो तो रहेगा ही, इसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव उसका हो जाएगा, जो रूल्स बन सकते हैं वो हम जानेंगे। तो पहली चीज़ हमारा ये आज का वीडियो जो था वो रियल नंबर सिस्टम पे था, जो कि क्लास 9 का था, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ अभी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।